भाई राम राम सारे भैया ना, मॉर्निंग का टाइम है, हम जा रहे हैं काम पे। थोड़ा ना आया नहीं, लेट आँख खोली, काम का टाइम हो चुका, आधा घंटा लेट, पर कोई चक्कर नहीं है। तो भाई जो न्यूज़ है तुमने थंबनेल में देख ली होगी क्या न्यूज़ है, पर मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे लेट पता चली है, मेरे को भी किसी ने यहाँ पे बताई, फिर मैंने थोड़ा ऑनलाइन वगैरह देखा इधर उधर साइट आप। तो भाई 21 स्टूडेंट आए थे अपने अभी कुछ टाइम पहले, ज्यादा टाइम भी नहीं होया, दो वीक हुए होंगे, दो वीक पहले आए थे, टेक्सास एयरपोर्ट पे आए थे वो, ठीक है, और वो आए थे चेन्नई से, चेन्नई आंध्र प्रदेश से 21 स्टूडेंट, और वो 21 के 21 इकट्ठे एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिए, सारे स्टूडेंट थे सेम, और ये भी नहीं कॉलेज सेम हो, मतलब कॉलेज भी अलग अलग थे, हम ये कह रहे भाई कॉलेज उनका सही नहीं था ना, ये कह सकते भाई उनके इंटरव्यू की डेट अलग अलग, वो एक के थी तो उस डेट में कोई इशू होया हो, कुछ भी इशू नहीं था उनको, इमिग्रेशन वाला नहीं, यूएसए वाला रोक लिया एयरपोर्ट पर ही, क्वेश्चनिंग हुई उनकी व्हाट्सएप चैट तक भी चेक हुई उनकी सब कुछ, पर उससे मेन उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक हुए, और डॉक्यूमेंट को सबको सेम एजेंट था उनका, एजेंट सेम था सबको, ये बोल दिया भाई कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, उनको रोक के रखा, वही डॉक्यूमेंट के बहाना जाने दिया, फिर अपना 4-5 घंटे बाद उनको अगली फ्लाइट में वापस बिठा दिया, जो इंडिया वापस जा रही थी। तो डॉक्यूमेंट पूरे तो भाई देख क्या स्कीम है, मैं आया था मेरे भी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, ठीक है, मेरे को पूछा गया था भाई तेरी डिग्री कहाँ है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन की डिग्री मेरी थी मतलब कॉलेज में मैंने कुरियर करा दी थी, तो उन्होंने बोला भाई अपनी डिग्री दिखा, मेरे पास नहीं है, कॉलेज में करा रखी कुरियर, बोला ठीक है, फिर बड़का पर स्लिप उछल ले करे थे, पैसे ले कहा था उनका, उनकी जो बिल होया करे, अब बिल दिखा मैं वो भी नहीं है, बोला कोई नहीं, फिर दो चार चीज़ पूछेगा, लोकेशन कहाँ है तेरे कॉलेज की, मैं सारा एग्जैक्टली नहीं पता, सिटी सिटी का पता है, बाकी तो गूगल मैप रहा, हंसने लग गया। तो यार कई फ्रेंडली भी हो जाए इमिग्रेशन वाले, जिन्हें गल नहीं है उन्हें तो गल नहीं है, जिन्होंने वापस भेजने हैं वो तो भेज के रहेंगे, कुछ भी बनना हुआ, पर हाँ डॉक्यूमेंट ये उनके पास भाई डॉक्यूमेंट नहीं थे पूरे, वो ना बहाना मिल गया, तो अपने तरफ से जो भी स्टूडेंट आओ भाई कोई कमी मत रहने देना, अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट हमेशा पूरे रखना, कुछ भी हो जाए उनको एक कोई भी एक ऐसा रीज़न नहीं देना जिससे वो तुम्हें रोक ले या क्वेश्चनिंग करे, ठीक है, कई बार उन भी क्वेश्चन कर लें बिना किसी बात भी, ठीक है, मैं बाल्टीमोर था, मेरा खास दोस्त भाई हाल लग रहा था मेरे तो रहेगा, वो आया स्टूडेंट वीज़ा पा, वो आया था बाल्टीमोर आया, और एयरपोर्ट पर था उसके, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट था शायद, वहाँ पर आया कम से कम तू ला लो, वो आया था तड़की 9 बजे पहुँच गया था, 2:30 बजे तक बैठा कर रखा, क्वेश्चन नहीं कोई एक कमरे में बिठा कर रखा। अब अगर ये सिनेरियो किसी आप में आप लोगों में तो किसी के साथ हो, क्या करना है, एक तो घर से आने से पहले व्हाट्सएप चैट डिलीट करनी है, देखो शक जाएगा अगला देखेगा व्हाट्सएप चैट डिलीट हो रही है पता चल जाता है, तो बेस्ट ये है अपने पासपोर्ट के वीज़ा के बारे में कॉल पर बात करो, जिस तरह जो कर रही है तो हमारे प्लान है, कभी मैसेज पर मत करो ताकि कुछ डिलीट ना करना पड़े, ठीक है, बाहर के बारे में, रुकन के बारे में, प्लान्स के बारे में व्हाट्सएप पे तो किसी से बात करनी ही नहीं, कहीं भी ना व्हाट्सएप पर ना इंस्टाग्राम पर कुछ भी नहीं करना, ठीक है, अपनी 1 महीना पहले नई मेल बना लियो ईमेल, उस ईमेल पे कोई भी मेल मत, ऐसी मेल मत आने देना जो तुम्हारे वीज़ा से रिलेटेड हो या तुम्हारे एजेंट की हो, उनको नहीं पता इमिग्रेशन वालों को, हो इंडिया में एजेंट का भी काम होता है, एजेंट भी करते हैं हम, वो कुछ भी पूछते किसने लगवाया वीज़ा, मैंने खुद लगवाया हुआ, ठीक है, उनको नहीं पता इंडिया में एजेंट होते हैं,
तो जब यहाँ पे आओ अपनी रियल मेल को लॉग आउट करके आना, और वो दूसरे वाली को लॉग इन। व्हाट्सअप चैट पे तुमने कुछ कर ही नहीं रखा तो डिलीट भी नहीं करनी पड़ेगी, वो तो उनको शक भी नहीं जाएगा भाई व्हाट्सअप चैट भी चेक होती है। तुम बोल दोगे मेरी प्राइवेसी है, चप्पल मार गए और बुखबार काट देंगे, बंदर बना देंगे पीट पीट चौतड़। तो भाई व्हाट्सअप चैट्स चेक होती है, इंस्टाग्राम भी खुल सका तारा, फेसबुक भी खुल सका, गैलरी तक भी चेक करेंगे। तो गैलरी में कुछ मत रखना ऐसा कि फंसने का वो जसीन, ठीक है। और अगर तुम्हें उसमें रूम में बिठा दे भाई, पूछताछ नहीं करेंगे वो, बस बिठा देंगे वो, तुम्हें देखेंगे तुम क्या करोगे। अगर तुम किसी को फ़ोन करे, कमरे में सेंसर होते हैं ब्रो, तुम किससे क्या बात कर रहे हो, फ़ोन पे क्या बात हो रही है, सब सुनता है। तो तुम्हें वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, या घबराया कितना है, क्या घबराया, अगर जगले ने उल्टा काम कर रखा होगा तो भी घबराएगा, किसको कॉल कर रहा है, फ़ोन पे ज़्यादा घुसा हुआ है, चैट कर रहा है बार बार ही, फ़ोन चला रहा है, गेल की गेल आऊँगे फ़ोन ले जाएंगे, डिलीट करने का भी एकदम मौका दे, एकदम आत्मा खुश होंगे। तो अगर कुछ ऐसा हो, चैन तय इंसान बन के फ़ोन रख के अपना नीचे जेब में, और चुपचाप बैठे रहना, इधर उधर देखना ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत देखना बस, इधर उधर भी ज़्यादा मत देखना, और डॉक्यूमेंट बिल्कुल मत निकालना अपने, देखना ही नहीं डॉक्यूमेंटों में, डॉक्यूमेंटों में झाकोगे तो अगले ये शक जाएगा भाई नकली डॉक्यूमेंट है, अपनी डिटेल याद कर लग रहा है भाई। उनका काम शक करना है, हमें शक होने नहीं देना, पर डॉक्यूमेंट तो झाकने ही नहीं, कितनी भी नहीं, डॉक्यूमेंट अपने बैग में रखो, अपना शांत बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ भी रिएक्शन नहीं देना, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। तो अपना सोने की एक्टिंग कर लैग जो, ज़्यादा ज़्यादा गला नूंग हो जाएगा भाई, थक रहा है सो गया, क्यों बेफिक्र आदमी ये सोया कर, ठीक है, ये कर सकते हो तुम, पर ये भी कुछ तरीके हैं जिससे बच सकते हो। अगले ना वही अगले इमिग्रेशन वाला तुम्हें वापस भेजना होगा, भगवान ना करे तो, अगर मैं तो भेज कर रहा हूँ कोई भी बात ना उनके पास, पर ये प्रिवेंट हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, उनको कोई बहाना ना दे, क्यों अगर इमिग्रेशन वालों ने बिना किसी रीज़न के तुम्हें वापस भेज दिया तो भाई उनको आगे इंडिया वालों को, इंडियन इमिग्रेशन को भी जवाब देना पड़ता है कि भाई क्यों भेजा गया वापस ये स्टूडेंट, क्या बहाना देंगे। फ़ोन चला रहा था, अच्छा फ़ोन चला रहा था इसलिए वापस भेज दिया। तो अपनी तरफ से रखो, यहाँ आना है तो ठीक है, ठीक है भाई, राम राम सारे भाइयों ने काम पा लिया, मैं अभी मिलते हैं सून।